जय जय माता दी। आप सभी भक्तों का और मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। माँ काली एक ऐसी ऊर्जा, एक ऐसा वाइब्रेशन जो बहुत ही ज्यादा उग्र है। इस ब्रह्मांड के अंदर इतनी ऊर्जाएं हैं और ऊर्जाएं भी बहुत तरह की है। उग्र ऊर्जा, शांत ऊर्जा, उन शक्तियों के ऊपर निर्भर करती है उसका स्वरूप कैसा है, शक्ति कार्य कैसे करती है। तो माँ काली अर्थात एक उग्र ऊर्जा, अत्यंत तेज ऊर्जा, जिस ऊर्जा को संभाल पाना भी बहुत बड़ी बात होती है। तो उस ऊर्जा की सिद्धि के लिए आपको महाशक्तिशाली मंत्र बताऊंगा। और इस ऊर्जा को जो काली स्वरूप ऊर्जा है, जो काली की शक्ति है, उसे अगर आपने थाम लिया, अपने अंदर में समाहित कर लिया, उस ऊर्जा को आपने बनाए रख लिया, तो यह शक्ति हर वो चीज, हर वो वस्तु, कुछ भी आपको चाहिए, यह पूर्ण कर देगा। इसमें है वो शक्ति, इस ऊर्जा के अंदर वो अद्भुत शक्ति है। चाहे आप प्यार को पाना चाहे, प्रेमी प्रेमिका को पाना चाहे, या फिर आपके शादीशुदा जीवन में कुछ बहुत ही सकारात्मक चीज चाहे, हर चीज आपके बोलने से पहले, सोचने से पहले ही वह जो अंतरात्मा में निहित ऊर्जा है पूर्ण कर देगा। क्योंकि ऊर्जा जो अंदर में है वही जागृत होती है और वही शक्ति कार्य करती है। यह संपूर्ण सृष्टि का सार तत्व सिर्फ और सिर्फ शक्ति है। आपने उस शक्ति को किस तरह से प्रयोग किया यह मायने रखता है। तो कुछ व्यक्तियों में बहुत कम होती है ऊर्जा शक्ति, तो उसे बढ़ा सकते हैं, लेकिन सही मार्गदर्शन, सही साधना, सही गुरु से। साधना अर्थात मन को, विचार को, भाव को, ऊर्जा को साध के एक केंद्र में लाकर खड़े कर देना। जो इन सब चीजों को एक केंद्र बिंदु में ला देगा, उसका इस दुनिया में हर कार्य सिद्ध होना ही है। सिद्धि का अर्थ यही है कि आपने उस अमुक शक्ति को जागृत करके अपने अंदर समाहित कर लिया, उसे आपने संभाल लिया है, आपने उसे थाम लिया है, धारण कर लिया है। यही वो सिद्ध शक्ति है जो आपके लिए कार्य करती है। तो माँ काली की शक्ति को जागृत करने के लिए नियम यह है कि सबसे पहले अभी जैसे कि जब भी समय मिले, उसमें से प्रातः काल का समय बहुत ही पवित्र होता है, और एक दूसरा समय होता है सूर्य अस्त होने वाला होता है उसी समय, उस समय एक अलग ऊर्जा ही उत्पन्न होती है। तो प्रातः काल या सूर्य अस्त के समय इस मंत्र को रुद्राक्ष माला से माँ काली का ध्यान करके आपको पूर्ण रूप से अपने अंदर केंद्रित, एक बिंदु पर केंद्रित लगाकर, ध्यान लगाकर जाप करना है। मंत्र का जाप कम से कम आपको 7 दिनों तक करना पड़ेगा, और 221 बार एक गिलास पानी लेकर के, और व्यक्ति को जिसे आप चाहते हैं उसके फोटो को सामने रख लीजिए। इसमें एक फोटो की जरूरत पड़ेगी, किसी भी तरह से उसका फोटो सामने रखिएगा, और पूर्ण रूप से आप एकाग्रचित हो जाइए, एक केंद्र बिंदु में टिका दीजिए अपनी ध्यान को, और फिर जाप कीजिए। आप देखेंगे जिस समय से आप शुरू करेंगे उसी समय से उसके मन में, उसके दिल में, दिमाग में, जिसके ऊपर भी करेंगे, वह आपके ओर खिंचा चलाएगा। यह सिर्फ प्यार पाने के लिए नहीं, या तो हर चीज आप पा सकते हैं, क्योंकि एक बार यह ऊर्जा जागृत हो जाएगी तो आपका हर कार्य को खुद ब खुद सिद्ध कर देगी। मैंने बताया कि आपके सोचने से पहले वह उस चीज को जान जाता है जो आप नहीं जानते, क्योंकि बहुत गहनतम से गहनतम गहराई में, अंतरात्मा में जो छुपा हुआ है वही सिद्ध शक्ति है जो जागृत होती है। मंत्र इस तरह से, उसे ध्यान से सुनिए। ओम ह्रीम क्रीम क्रीम काली काली महाकाली ह्रीम फट स्वाहा। और अगर समझ में नहीं आए तो नंबर है। जय जय माता दी।